स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल बस पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच में थर्ड टी ट्वेंटी खेला जाएगा सुबह साढ़े पाँच बजे ये मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा किस तरीके से आज आपको अपनी टीम बनानी है किस तरीके से ये पिच बिहेव करेगा सारी चीजें डिटेल्ड वाइज समझेंगे जिससे आपको बहुत मदद मिलेगा आपकी स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की टीम बनाने में तो आइए देखेंगे बे ओवल के ग्राउंड पर यह मुकाबला खेला जाएगा कैसा रहता है ये विकेट इंटरनेशनली यहाँ पे आठ मुकाबले खेले गए आठों मुकाबले फर्स्ट बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है 198 का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है पांच बार 190 के अबव स्कोर गया है डोमेस्टिकली तो 16 मैच में 156 का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो नौ टाइम्स सबसे ज़्यादा बार वन से लेके वन के बीच में स्कोर गया है रिसेंट कुछ मैचेस देखते हैं दो और दो के बीच में जो खेले गए हैं वन ये थोड़ा लो स्कोरिंग हुआ लो स्कोरिंग भी क्या हुआ टीम ने इजी चेज कर लिया था यहाँ पर वन नाइन्टी वन और यहाँ पर थोड़ा लो स्कोरिंग गेम हुआ ये फिर ठीक है इसके अलावा यहाँ पर फिर से अच्छा स्कोरिंग हुआ यानी कि पाँच में से चार मैच में ठीक ठाक स्कोरिंग हुआ है अगर ये वाला भी गिन लोगे तो जो मैंने ये वाली टीम का बताया कि इन्होंने खराब खेला था इन्होंने अच्छा स्कोरिंग की ईजी चेज कर लिया ठीक है तो उस हिसाब से देखोगे ना तो उतना ख़राब स्कोरिंग नहीं हुआ है तो ओवरऑल आपने इंटरनेशनली भी देखा वन नाइन्टी की समथिंग जो है एवरेज स्कोर है तो ये विकेट बल्लेबाजों के लिए अच्छा रहता है खुद बल्लेबाज ख़राब ना खेले तो इसके अलावा जो अभी हमने पांच मैचेस देखे स्पिनर्स को तीस पेसर्स को अड़तीस तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट इक्वल सपोर्ट है स्पिनर्स को भी आप अपनी टीम में गिन सकते हो इसके अलावा दोनों टीमों के बीच में नाइनटीन टाइम्स मुकाबले में न्यूजीलैंड ने चौदह बार बांग्लादेश ने चार बार जीता है फोर्टी चांसेस है कि इस मैच में भी रेन हो जाए <coughs> सॉरी तो फोर्टी परसेंट चांसेज इस मैच में भी रेन हो जाए तो फिर से वही चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा वेट कर लेना कि आ, कितने ओवर का गेम हो रहा है या हो भी रहा है या नहीं हो रहा है तब इन्वेस्ट करना उससे पहले इन्वेस्ट मत करना फिर आप फंस जाओगे खा मखा ठीक है और पिच से एक चीज़ और बता दें कि जब मैच के यहाँ पे भी एक मैच पहले था जो हो नहीं पाए तो मैच से पहले अगर बारिश हो रही है तो पिच थोड़ा मॉइस्चर रहेगा तो वहाँ पर ना बॉलर्स को स्टार्टिंग में अच्छा खासा असिस्ट मिलता है रन्स बनाना थोड़ा मुश्किल होता है तो वो चीज़ें भी अगर होता है वो वाला फैक्टर तो मैं आपको आफ्टर टॉस बता दूंगा अभी के लिए जो मैंने पिच रिपोर्ट बताया वो मान के चलो अब जो बैटिंग बॉलिंग स्टाइल देखना चाहते हो वो देख सकते हो कि कौन लेफ्ट हैंडर है कौन राइट हैंडर है और कौन लेफ्ट और सॉरी कौन लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के साथ ऑफ ब्रेक बॉलर है कौन लेग स्पिन बॉलर है कौन लेफ्ट फास्ट मीडियम है कौन राइट आम मीडियम है इस तरीके से ठीक है अब न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन विद इंपोर्टेंट प्लेयर वैसे तो मोस्टली प्लेयर इंपॉर्टेंट है सबका अपना अपना एक सिनेरियो है कौन किस सिचुएशन में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने के चांसेस रखते हैं तो वो सारी चीजें हैं आगे समझेंगे अभी सिर्फ आप लास्ट मैच में जो इन्होंने किया है वो देखते हुए चलो जब हम टीम सेलेक्ट करेंगे तो हर एक प्लेयर की सिचुएशन वाइज इंपॉर्टेंस देखेंगे कब कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है फिनलन दोनों मैच में फ्लॉप हुए टीम साइफर्ट ने एक मैच में अच्छा किया डेरिल मिचल लास्ट मैच में एटी नबाद और ग्लैन फिलिप्स नौ रन नबाद उसके बाद मैच ही नहीं हुआ फर्स्ट uh, मैच में जिमी निशम ने अच्छा किया मिचल सैंडर ने अच्छा किया इनके पास ये पांच गेंदबाज हैं ज़रूरत पड़ती है तो जिमी निशा है अगर कोई महंगा साबित होगा किसी का ऑफ डे है तो ठीक है और इसके अलावा भी इनके पास ऑप्शन है इवन ये जो तीन ऑप्शन है ये तीनों ऑप्शन बॉलिंग डालते हैं सामने लेफ्ट हैंडर है तो ग्लैन फिलिप्स बॉलिंग डालते हुए दिख सकते हैं यदि स्पिन रहा तो विकेट पर थोड़ा बहुत भी ठीक है ये इनके पावर प्ले के गेंदबाज टीम साउदी अडमिलथ में टीम साउदी मिल और बेंसियर्स ये मैंने आपको बताई दिया कौन कितने ओवर डालने के चांसेस रखता है फर्स्ट मैच में जैसे टीम सऊदी ने चार ओवर में सोलह रन दिए थे तो ये वो चीज़ है बाकी प्लेयर वाइज स्टैट्स देख लो हर एक प्लेयर का आपको स्टैट्स देखने मिल जाएगा जो अच्छा स्टैट्स रखता है उसको येलो कलर से मेंशन किया हुआ है तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी आपको समझने में किसके कितने का स्ट्राइक रेट है कितने का एवरेज है कितने पचास की हैं कितने मैच की कितने इनिंग में बॉलिंग डाली कितने विकेट्स निकाले इस तरीके से आप हर एक प्लेयर का डिटेल वाइज स्टैट्स देख सकते हो अभी सिर्फ स्टैट्स पर फोकस करो जब हम आगे टीम बनाएंगे ना तो समझेंगे कौन से प्लेयर का सेलेक्शन कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और कब नहीं रहेगा इसके अलावा टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा देखो वहाँ जुड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आफ्टर टॉस की सारी अपडेट वहीं दी जाती है फ्री में और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा तो फटाफट फट जाओ जुड़ जाओ इम्पोर्टेंट है इसलिए बताया जाता है अब देखो बांग्लादेश की टीम की बात करें तो जो इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर है नाजमल हुसैन सैंटो मेहदी हसन मुस्ताफिजुरहमान और सोरेफुल इस्लाम बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट मैच तो मतलब हुआ ही नहीं था बारिश के चलते और वहाँ पर ना आपने देखा होगा लास्ट मैच में स्पिनर्स को थोड़ा असिस्ट मिल रहा था क्योंकि डेरिल मिचल को और ग्लेन फिलिप्स को जो कि अच्छे तगड़े हिटर है स्पिनर्स ने बांध के रखा था रिशाद हुसैद ने बांध के रखा था रंच नहीं दे रहे थे ठीक है तो ये चीज़ है इनके जो पावर प्ले के गेंदबाज शारफुल इस्लाम टी शकीब महदी हसन में इनके पास मुस्ताफिज टी शकीब और इस्लाम ये तीन आपको दिखेंगे अभी ना ये जो स्कोर्स आप देख रहे हो ये मैं समझना कि मैं प्लेयर्स के बारे में बता नहीं रहा हूँ जब हम आगे टीम बनाएंगे टीम सेलेक्ट करेंगे तो एक एक प्लेयर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी सिर्फ हम लोग नंबर्स पे फोकस कर रहे हैं ठीक है इनकी टीम से अगर आप बात करो तो आफी हुसैन को हटा दो बाकी के ये जो गेंदबाज है ठीक ठाक ओवर की गेंदबाजी डालने के पूरे पूरे चांसेस लगते हैं इनमें से कोई महंगा साबित होता है या सामने लेफ्ट हैंडर टिका हुआ है तो ये गेंदबाजी डालते हुए दिख सकते हैं ठीक है और इसके अलावा भी इनके पास ऑप्शन है जैसे सेंटो कभी कभार गेंदबाजी डाल लेते हैं सौम्य सरकार कभी कभार गेंदबाजी डाल लेते हैं बट उनके चांसेस थोड़े कम है ठीक है अब इनके भी प्लेयर वाइज स्टैट्स देख लो सेम वही फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में मैंने अभी आपको न्यूजीलैंड के टीम के प्लेयर्स का स्टैट्स दिखाया हर एक प्लेयर का आपको स्टेटस देखने मिलेगा जो अच्छा स्टैट्स रखता है उसको येलो कलर से मैंशन किया है वही सेम चीज़ है स्ट्राइक रेट एवरेज रनस कितने मैच की कितने इनिंग में बॉलिंग डाली कितने विकेट्स निकले वो सब देखने मिलेगा अब अभी सिर्फ स्टेट्स पे फोकस करो आगे डिस्कस करेंगे हर एक प्लेयर का सिचुएशन वाइज एनालिसिस जिससे आपको समझ में आएगा किस प्लेयर का कब सिलेक्शन करना है और कब नहीं करना है हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं जब दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं तो किसका कैसा रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड की तरफ से ग्लन फिलिप्स सात मैच की सात इनिंग में एक तो रन सत्ताइस का एवरेज फिन का इक्कीस का एवरेज है जिमिनिसम का पच्चीस का एवरेज है बांग्लादेश की तरफ से किसी का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है वही अगर हम बॉलिंग से बात करें तो यहाँ पर देखो टीम सऊदी नौ इनिंग में सत्रह विकेट है इस सोडी आठ मैच के आठ इनिंग में, में चौदह मिलनसाद और यहाँ पर रचिन रविंदर छः विकेट है यहाँ पर रहमान महदी हसन और शारिफुल इस्लाम इन तीनों का रिकॉर्ड अच्छा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड अब थोड़ा वेन्यू स्टेट्स की बात करेंगे इस ग्राउंड पे मुकाबला होता है तो किसका कैसा रिकॉर्ड है ग्लैन फिलिप्स ट्वेंटी नाइन का एवरेज है टीम साइफर थर्टी सेवन का एवरेज है सोम्य सरकार फोर्टी वन का एवरेज है इस ग्राउंड पर दो इनिंग में एट्टी वन रन बनाए हैं बॉलिंग से बात करें तो यहाँ पर इस सोडी का अच्छा रिकॉर्ड है आठ इनिंग में बारह विकेट है टीम सऊदी पाँच इनिंग में सात विकेट है बाकी ये सबका एक एक विकेट है उतना अच्छा रिकॉर्ड है नहीं और थोड़ा सा प्लेयर बैटल देखो तो फिन अलन इस्लाम इनका बैटल बहुत फेमस हो रहा है और ये लोग देखो स्ट्रगल भी करते हुए दिखे फिनलन और वैसे भी ये लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करते हैं ग्लैन फिलिप्स इस्लाम के सामने दो बार आउट ज़रूर हुए हैं लेकिन रनस भी अच्छे खासे बनाए तो वो स्ट्रगल वाला बात नहीं रहा बाकी जिमिनिसम मुस्ताफ़ीर के सामने ओ में स्ट्रगल किए हुए हैं उतना भी कुछ नहीं किया लिटन दास यदि खेलते हैं तो टीम सऊदी के सामने स्ट्रगल करते हैं सौम्य सरकार इस सोडी के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं चौंतीस गेंदों में तीन बार आउट कर चुके हैं टीम सऊदी के सामने भी ये स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं इसके अलावा ये सब एक एक बार आउट हुए जो कुछ खास कंक्लूजन निकलता नहीं है अब हम चलते हैं टीम सेलेक्शन की तरफ कीपिंग सेक्शन की बात करें तो टीम सा एक अच्छे पिक रहेंगे हालांकि इनका भी रिसेंट फॉर्म उतना कंसिस्टेंट नहीं रहा है लेकिन फिर भी चूंकि कीपिंग करेंगे प्लस अपनी टीम के लिए लास्ट मैच में अच्छी फॉर्म भी दिखाई तो मस्ट हफ पिक Uh, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे लिटन दास खेल नहीं रहे अगर खेलते हैं ना तो लिटन दास की बात करें तो देखो ये थोड़ा सा इनकन्सटेंट तो रहे हैं लेकिन जो एक मैच खेला उसमें अच्छा परफॉर्मेंस था विकेट कीपिंग भी करेंगे तो डिसेंट ऑप्शन के रूप में हो जाते हैं बट मस्ट अब पिक मैं नहीं कहूँगा कंसिडर कर सकते हो रोनिल तालुकदार टैलेंटेड प्लेयर है नो no डाउट लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे अच्छा किया है इंटरनेशनल लेवल का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है सामने बहुत अच्छी जो है बॉलिंग लाइनअप है तो मैं ज़्यादा इनसे उम्मीद कर नहीं रहा हूँ डेरिल मिचल मस्टर पिक लास्ट मैच में थोड़ा फंस रहे थे स्पिनर्स के अगेंस्ट स्पेशली लेकिन देखो मस्ट पिक वन डाउन बल्लेबाजी इनकी टेक्निक काफ़ी अच्छी है उस पर भरोसा रखो कभी भी बड़ा स्कोर करके दे सकते हैं ग्लैन फ्लिप्स अगर बीस ओवर का पूरा मैच होता है फर्स्ट बल्लेबाजी है तो आप इनको कप्तानी भी दे सकते हो टू डाउन बल्लेबाजी है प्लस सामने लेफ्ट हैंडर्स की कमी नहीं है वहाँ पर ऑफ ब्रेक स्पिन गेंदबाजी भी ये डाल सकते हैं तो कप्तानी के भी अच्छे मटेरियल सेंटो एक डिसेंट ऑप्शन है पिक नहीं कहूँगा एशियन कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा अच्छा खेलते हैं बट थोड़ा सा बाहर के ओवरसीज कंडीशन में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है लेकिन क्या है कि अगर इनकी टीम फंसती है ना तो एक साइड से सा एंकर करते हुए ठीक ठाक रन बना सकते हैं तो वो चीज़ अगर आप देख रहे हो तो कंसिडरेबल रहेंगे बट उतने आ, अच्छे ऑप्शन नहीं फिनअलन भी थोड़े हिट और मिस टाइप के खिलाड़ी है और सामने सौरिफुल इस्लाम है जिनके अगेंस्ट ये भयंकर स्ट्रगल कर रहे हैं लेफ्ट आम पेसर के अगेंस्ट ये वैसे भी स्ट्रगल करते हैं तो अभी के लिए मैंने छोड़ा हुआ है लेकिन बैटिंग विकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं एक आध मिनी जी की टीम में इनको कप्तान जरूर बना देना और इसके अलावा नीचे कोई और इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं मिचल सैंडर यहाँ पे मस्प पिक रहेंगे सामने राइट हैंडर हो या लेफ्ट हैंडर हो ये पूरे चार ओवर डालते हैं फील्डिंग से भी पॉइंट देते हैं जरूरत पड़ती है तो बैटिंग से भी रन बना लेते हैं मैद्य सन मेराज खेल नहीं रहे जिमिन इसम यदि इनकी टीम चेस करेगी तो मैं इनको छोड़ दूंगा फर्स्ट बल्लेबाजी में भी देखो अगर मैं कैप्टन वाइस कैप्टन डेरिल और ग्लैन फ्लिप्स को कर रहा हूं ना तो मैं उनसे उम्मीदें कर रहा हूं तो फिर इनकी बल्लेबाजी शायद ही है और गेंदबाजी का इनका कोई उम्मीद नहीं और मतलब ज्यादा वो नहीं रहता है ये पार्ट टाइमर के रूप में खेल रहे हैं ठीक है किसी का दिन खराब रहेगा तो गेंदबाजी डालेंगे अदरवाइज हो सकता है डाले बिना या फिर एक दो ओवर डाल के फिर चले जाए ज्यादा ओवर ना डाले तो मैं ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूं हाँ फर्स्ट इनिंग की बल्लेबाजी में फिर भी अगर आप कवर करना चाहते हो तो कर सकते हो बाकी उतने अच्छे ऑप्शन नहीं सौ में सरकार को लिया हुआ है लेकिन ये भी मस्ट हफ्प पिक की कैटेगरी में नहीं है बस थोड़ा एक्सपीरियंस है न्यूजीलैंड के कंडीशन को खेलने का बस इसलिए मैंने ले लिया है बॉलिंग का स्योरिटी बिल्कुल नहीं है रेयर चांस में बॉलिंग करेंगे हाँ रन थोड़ा बहुत बना सकते हैं बस इसलिए ले लिया है आफिफ हुसैन को नहीं लिया मेहदी हसन मिराज ठीक ठाक सॉरी मेहदी हसन ही है मिराज नहीं है मेहदी हसन जिनका रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा था गेंदबाजी से ओडीआई वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा यहाँ पे भी फर्स्ट मैच में अच्छा किया था तो आप इनको लेके जा सकते हो थोड़े बहुत रंस बना सकते हो बट बैटिंग टेक्निक इनकी उतनी अच्छी नहीं है बॉलिंग से बात करें तो मैंने टीम साउदी अभी के लिए टीम साऊदी मिल और इस सोडी को मैं मस्टअप पिक कहूँगा क्योंकि देखो ये तीनों और डोमिनेटिंग टीम के बॉलर से और चार चार ओवर गेंदबाजी करने के चांसेस रखते हैं टीम साउथी फर्स्ट इनिंग में वीसी के भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे एडम मिल भी विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज है इस सोडी का रिकॉर्ड काफी अच्छा है कुछ एक बल्लेबाजों के सामने बांग्लादेश के अगेंस्ट ठीक है तो यहां पर ना और उसके बाद शारीफुल इस्लाम कोई भी इनिंग हो पिक ये चार मस्ट पिक हो जाते हैं मुस्ताफ की टीम अगर फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी डालेगी तो ही मैं इनके इनको लेके जाऊंगा अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा क्योंकि ये रिसेंटली अगर आप इनका फॉर्म देखोगे तो उतना अच्छा नहीं है हर एक बल्लेबाज इनको ईजिली पढ़ लेता है बस इस वजह से फर्स्ट गेंदबाजी में चूंकि दत्त में आ जाते तो वहां विकेट मिल सकते हैं इस वजह से इनको ले सकते हो उस सिचुएशन में अदरवाइज अगर इनकी टीम सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करेगी तो शायद मैं इनको छोड़ के किसी एक बैट्समैन को सेंटो को या फिर जिमी निशम को लेकर जा सकता हूँ ठीक है और सौम्य सरकार भी मस्टा पिक नहीं है अगर इनकी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो वहाँ इस सोडी रहेंगे तो मैं शायद इनकी जगह सेंटो को लेकर चले जाऊँ या फिर फिनलन को ही ले लूँ तो ये चीज़ें आफ्टर टॉस चेंज होंगी ठीक है अभी के लिए आपको टीम दिखा देते हैं हाँ नीचे और कोई उतना अच्छा ऑप्शन है नहीं बेंच सीयर्स हैं जिनको आप फर्स्ट गेंदबाजी में रिस्क पे ले सकते हो क्योंकि तब दत्थ में आ सकते हैं टी शकीब को भी अगर इनकी टीम फर्स्ट गेंदबाजी करती है तो रिस्क पे ले सकते हो क्योंकि इन्होंने दत्थ में इंप्रेस तो किया है लेकिन अभी प्रॉपर दो तो दत्त बॉलर्स हैं इनके पास तो शायद दत्म में ज्यादा गेंदबाजी ना मिले इसलिए मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर रहा स्मॉल लीग में मिनी जेल में ट्राई कर सकते हो अभी के लिए जो टीम हो रही है वो कुछ इस प्रकार से है जहाँ पे कप्तानी ग्लैन फिलिप्स वाइस कप्तानी डी मिचल अगर इनकी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी तो मैं इन्हीं दोनों को कप्तानी वाइस कप्तानी दूंगा और अगर मैच छोटा होता है तो फिर ये मैच खराब हो सकता है बारिश के चलते तो आप लोग उसमें कमी इन्वेस्ट करना या स्किप कर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर स्लो मतलब शॉर्ट गेम होता है तो शायद मैं टीम सऊदी और टीम सीफाइट को कैप्टन वाइस कैप्टन कर दूं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको पता चली जाएगा टेलीग्राम से अगर आप जुड़ जाओगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में लिंक है फटाफट जुड़ जाओ इसके अलावा इस टीम में कैसे चेंजेस करना है वो भी मैं आपको ऑलरेडी हर एक पॉइंट समझा चुका हूँ वीडियो में कि कौन से प्लेयर की इंपॉर्टेंस कब घटेगी कब बढ़ेगी और आप किसको कब निकाल सकते हो और उसकी जगह किसको ले सकते हो सारी चीज़ एक्सप्लेन की है एंड इसके अलावा देखो वो जो अपडेट मिलेगी आफ़्टर टॉस की उसको देख के ही फिर आप वो चेंजेस करोगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में लिंक है टेलीग्राम चैनल का फटाफट जाओ जुड़ जाओ वहाँ पर जुड़ जाओगे सारी अपडेट मिल जाएगी वीडियो में आपको पॉइंट समझाए गए दोनों का मिक्सर करोगे तो खुद समझ में आएगा हाँ किस प्लेयर को कब आपको ड्रॉप करना है और उसकी जगह किसको लेना है तो इजीली आप खुद से अकॉर्डिंगली अपनी टीम बना पाओगे बाकी ये जो टीम है ना ये स्मॉल लीग की टीम है इसे ग्रैंड लीग में मत लगाना ग्रैंड लीग के लिए जैसे मैं आपको कुछ एक चीजें बताता हूं ये मैंने एक डेमो टीम बताई ये मत लगाने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसमें कुछ एक डिफरेंशियल पिक्स लिए जैसे बेंच सियर्स हो गए यहाँ पे सौम्य सरकार जिमिन निशम हो गए फिन एलन को कैप्टन कर दिया तो ऐसे ही कुछ मैं आपको ट्रम पिक्स आफ्टर टॉस बता दूंगा अभी मैंने इसलिए लिखा है कि टेलीवू लेटर ऑन टेलीग्राम क्योंकि अभी पता नहीं है कितने ओवर का गेम हो रहा है ठीक है सारी चीज़ें पता चल जाए तो मैं आपको आफ्टर टॉस बता दूंगा कुछ एक प्लेयर का नाम उनको एज प्लेयर रोटेट कर लेना बाकी ये जो कुछ एक ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनशी के इसमें ऐड कर लेना टीम सेफर्ट इस और फिनलन और इनको एज कैप्टनसी वाइस कैप्टनशी के तौर पर रोटेट करो तो अगर आपका लक अच्छा रहेगा ना तो आप ग्रैंड लीग में रैंक भी काफी अच्छी लेके आ सकते हो क्योंकि इसमें लक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है इसलिए टीम आपको कोई दे नहीं सकता है ये लक का खेल है इसमें कुछ भी चेंज होगा ये स्मॉल लीग की टीम में तीन चार मेंबर वाली तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म करेंगे बिल्कुल फ्री में तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा फटाफट जाओ जुड़ जाओ बिल्कुल फ्री है मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद